अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आज की इस वीडियो में मैं आपको हवाई के कुछ और नए फीदर बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 फीदर बताए थे, लेकिन ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसमें मैं आपको 5 और फीदर बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अद्रीसम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना टेक्निकल या पिक्स आर्ट या एडिटिंग या हैकिंग के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हवाई ने न्यू मॉडल लॉन्च किया है, हवाई Mate 10 और Mate 10 लाइट, और इस वीडियो में मैं आपको हवाई Mate 10 लाइट के कुछ और फीचर बताऊंगा। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में मैं आपको हवाई के 5 और फीचर बताऊंगा, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। चले, ये मेरे पास अभी इस वक्त हवाई Mate 10 लाइट मौजूद है, और आप देख सकते हैं ये ठीक है। अब फिदर इसके आपको पहला फिदर मैं बताऊंगा, वो आपको सेटिंग में जाना है। सब फिदर आपको यहाँ से मिलेंगे, आपको सेटिंग में जाकर ये आपको स्मार्ट असिस्टेंट, इसके ऊपर हैंड बना हुआ आइकन, हैंड आइकन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और पहला फिदर है फ्लोटिंग डॉक, इसके ऊपर, इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके बटन ख़राब हो गए हैं, ये आपको नज़र नहीं आ रही या कुछ मसला बन गया है या आप उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसे स्टार्ट करने से ये देखें आप, ये जैसे ये वाला बटन है वैसे वो वाला हो गया। वैसे ही इसके अंदर 3 बटन है, जो बैक, होम और मल्टीटास्किंग के लिए, और एक बटन इसमें है स्क्रीन को लॉक करने के लिए। ये देखें, स्क्रीन लॉक होगी। अब मैं स्क्रीन को अनलॉक करूंगा तो आपको बताऊंगा कि चौथा फीचर इसका कौन सा है। ये इससे आपकी ये बैकग्राउंड आप रिफ्रेश हो जाएंगी। और देखें, नीचे रिफ्रेश आया था, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, वो देखें वो रिफ्रेश हो रही है। यू सिस्टम इन ऑप्टिकल कंडीशन, ठीक हो गया। ये आपका पहला फीडर है हवाई का। दूसरा फीडर भी आपको उसी जगह से मिलेगा जिस जगह पे आपको पहले, जैसे कि स्मार्ट असिस्टेंट, इसमें आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है स्क्रीन, ये देखें, इसमें मोशन कंट्रोल मिलता है आपको स्मार्ट असिस्टेंट में। पहला है ये देखें फ्लिप टू म्यूट, अगर इसको आप ऑन कर देंगे और अपने मोबाइल को आपने इस तरह उल्टा रखा हुआ है, तो ये जो है आपकी कॉल है या फिर कोई भी चीज़ है, मैसेज, नोटिफिकेशन, वो म्यूट हो जाएंगी। जब आप अपने आप मोबाइल को सीधा करेंगे तो वो फिर अनम्यूट हो जाएंगी। ये इससे आपकी कॉल भी म्यूट हो जाएंगी, अलार्म भी, सब कुछ ठीक है। और दूसरा फीचर भी आपको इसी जगह से मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा फीचर है स्मार्ट स्क्रीन, तीसरा फीचर सॉरी स्मार्ट स्क्रीन शॉट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और ये बता रहा है कि आपको स्क्रीन शॉट कैसे लेनी है, वह देखें, नॉक ट्वाइस फिर मिली विद योर नकल, ये देखें
ये उसने ऑन किया भाई, ये देखे ऐसे। ओहो इसमें नहीं सच, इधर से ये देखे, ये आप देख सकते हैं, ये वो स्क्रीनशॉट ले ले लगी यार। ठीक है, बैक आपको फिर करके दिखाता हूँ। ये इस अपनी ये जो नकल है इसको इसको एक दफ़ा इसके ऊपर ऐसे क्लिक करें, फिर से गोल रीजन में घुमाएं, जैसे कि ए अभी मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। ये भी एक मिनट, सॉरी, ये अब देखें, यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे घुमाएं एक दफ़ा, सॉरी अभी मेरे पास वो, ये ऐसे आप घुमाएं और वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब तीसरा फीचर है, चौथा फीचर है, चौथा नहीं सॉरी जी, अब चौथा फीचर है इसका, ये आपको नजर आएगा उसी सेटिंग में ड्रा, ये आपने क्या लिखा है यहाँ पे, अनलॉक फ्रीमली ड्रा, यहाँ से आप अपने अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप स्टार्ट करने लगा हूँ, ये लिखा हुआ है लेटर सी से कैमरा ओपन होता है, लेटर ई से क्रोम ओपन होता है, लेटर एम से म्यूजिक, डब्ल्यू से वेदर वगैरह वगैरह। अब अपने अपने फ़ोन को बंद भी करेंगे तो ये हो सकता है, और अगर आपका फ़ोन अवेक भी है तो इस तरह एक दफ़ा, इस तरह एक दफ़ा मस्त स्टार्ट कर लूँ। ऐसे अपना नकल है, एक दफ़ा बस उसे ना करना है, फिर ऐसे ऐसे एम लिखना है, ये मैंने एम लिखा है और ये म्यूजिक ओपन हो गया, ये वो देखे माय म्यूजिक, और ऐसे एक दफ़ा ना करना है, नाक यहाँ पे ये सी लिखा मैंने, ये कैमरा ओपन हो गया अब। ठीक है, और ये फीचर है चौथा, और अब पांचवा फीचर की तरफ जाते हैं। पांचवा फीचर आपको ये मिलेगा, इसका इसका पांचवा फीचर आपको मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन, जो कि एंड्रॉयड 7.0 वर्जन में मौजूद है स्प्लिट स्क्रीन। इसे ये आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये अपने एक दफ़ा नकल ऐसे करें, या फिर आप दूसरी तरह स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे, ये देखें किसी ऐप में जाएं, ये ओ मेरा ना अभी साइड पे मोबाइल का कवर है, ये मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अभी ये देखें, मैं अब जाऊंगा सेटिंग में, और ये आपका नकल है। ठीक है, और इसको यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करें ऐसे, फिर साइड में ऐसे घुमाएं ऐसे, ओ एक मिनट, ठीक है, और ये ऐसे एक दफा ऐसे घुमाना है। ठीक है, वो एक दफा घुमाया मैंने, वो हो गया। अब वो नीचे अपनी, मैंने रीसेंट ऐप कोई नहीं रखी हुई है, मैंने ये मैसेज नहीं थे रीसेंट ऐप रख दिए। अब यहाँ से आप मैसेज भी अपना पढ़ सकते हैं, और ऊपर सेटिंग में इस तरह आप अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली वीडियो में मैं आपको
बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge के फीचर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।